Hey, what's up guys, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिस्टर अंसारी भैया में और आप देख रहे हैं मिस्टर अंसारी को। हाय, दिस इज अमजद अली अंसारी। थैंक यू सो मच गाइस इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए और इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। तो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जो कि सबसे ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स है, लेकिन बताऊंगा कि आपको कैसे यूज करना है और किसे यूज करना चाहिए, किसे यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप बल्किंग करना चाहते हो, अपना वेट गेन करना चाहते हो और 2 से 3 मंथ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाना चाहते हो, तो बताऊंगा एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन किसे यूज़ करना है, किसे यूज़ नहीं करना है, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, हर एक चीज़ वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं, ये है टी शर्ट, ठीक है, जो कि है ये देख सकते हो टी शर्ट, ये है 3rd degree सप्लीमेंट न्यूट्रिशन और साथ में ये कंपनी ने दिए हैं मुझे ये डायनाबॉल के। तो इन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, इन्होंने कहा कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, हम ये प्रोडक्ट्स आपके पास भेज रहे हैं, आपका जैसा भी आपका मन करे रिव्यू आप दे सकते हो इसे यूज़ करने के बाद, पॉजिटिव जो है नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसे टी शर्ट को पहन लेता हूँ, ठीक है। सो गाइज, अब बात करने वाले हैं ये 3rd degree सप्लीमेंट कंपनी का, ये डायनाबॉल, ठीक है। डायनाबॉल के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना भी होता है, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता है कि डायनाबॉल क्या होता है, और कुछ जो हमारे कोच होते हैं जिम में वो इस सप्लीमेंट्स को सबसे ज़्यादा चला जाते हैं और मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट है इन बॉडी बिल्डिंग में, कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर सप्लीमेंट है वो यही है 3rd degree सप्लीमेंट का, सॉरी मतलब डायनाबॉल है ये, 3rd degree ने इसे बनाया है, ठीक है। लेकिन डायनाबॉल जो होती है सबसे मेन चीज़ होती है, जो डायनाबॉल आती है दूसरी कंपनी की वो आती है 8 रुपये में एक गोली और 800 रुपये की उसकी पूरी डिब्बी आती है, ठीक है। और जो ये डायनाबॉल है, ये है 3rd degree सप्लीमेंट जो कि इन्होंने बनाया है डायनाबॉल को, जो कि ये 10 mg में है और हाईएस्ट की है, हाईएस्ट इसे ग्रेड की बनाई गई है, ठीक है। अब बात करते हैं इसे कौन यूज़ करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो बेनिफिट्स इसके बहुत 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 होते हैं। 3 महीने की साइकिल चलाते हो तो आपकी 12 इंची के बाइसेप्स से ये आपका 14 इंची 15 इंची, मतलब जिस हिसाब से आप डाइट और वर्कआउट करते हो। सबसे पहली बात कि इसका फ़ायदा, तो फ़ायदे इतने सारे हैं कि जैसे कि आपकी बॉडी बिल्डिंग में जब इसे यूज़ करते हो आप, तो आपकी जो बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है उसे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी बल्क कर जाते हो, मतलब कि इतना बल्क कि आप 1 महीने में या 2 महीने में आप डबल हो जाते हो, ठीक है। बॉडी का मसल मास आपका इंक्रीज कर देता है। अगर आपका 12 इंच का बाइसेप है तो वो 3 महीने की साइकिल के दौरान वह आपका 14 से 14.5 या 15 इंची तक आपका बाइसेप हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्वालिटी में नहीं, वो वाटर रिटेंशन की वजह से वो आपका साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। साइज़ करता है, पंप दिलाता है, मतलब जब आप इसे यूज़ करते हो तो आपकी बॉडी हमेशा पंप में रहती है, आपकी बॉडी ऐसा लगता है जैसे बंदा अभी जिम करके आया हो, ठीक है। सो अब बात करते हैं इसके और बेनिफिट्स। तो लाइक मसल मास बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है, स्ट्रेंथ ऐसा बढ़ाता है कि अगर आप अभी प्रॉपर मतलब इसे नहीं यूज़ कर रहे हो और आप वर्कआउट कर रहे हो, तो आप अगर बेंच प्रेस मार रहे हो चेस्ट की तो मार रहे हो 15 किलो की, ठीक है। लेकिन जब आप इसे लोगे तो 1-2 हफ्ते बाद ही आप 30-30 kg के चेस्ट प्रेस मार सकते हो, तो इतना हो जाता है। जब जब आदमी ज़्यादा लिफ्ट करेगा वेट को, तब उसका जब ही तो वेट गेन होगा, जब ही तो मसल मास इंक्रीज होगा, तो वो यही काम करता है, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, स्टेमिना बढ़ा देता है, तो आप जिससे जल्दी थकते नहीं हो, बॉडी पूरे दिन पंप रहती है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। साइड इफ़ेक्ट्स तो लाइक कि आपकी लीवर डैमेज हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपके जो आपका सेक्स लाइफ है वो बहुत ख़राब हो सकता है, आपकी सेक्स लाइफ पूरी ख़राब हो जाएगी। लेकिन जिसे गाइडेंस मतलब जो अपनी मर्जी से ले ले, बिना उसे पता नहीं है कि कैसे यूज़ करना है, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है भाई। इसे सिर्फ वही लोग यूज़ करते हैं जिन्हें अपनी बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाना होता है, जो कम्पीट करते हैं, एथलीट होते हैं, वो स्पोर्ट्स वाले सब इसे यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि कैसे यूज़ करना है। जो उन्हें कोच होता है वो लाखों रुपये लेते हैं भाई, चार्ज लेते हैं इस चीज़ की साइकिल चलाने के लिए, सिर्फ ये 800-900-1000-1200 रुपये की दवाई चलाने के लिए लाखों रुपये की फ़ीस देनी पड़ती है उन्हें, ठीक है। स्टेरॉइड्स के कोई भी बंदा कॉम्पीट नहीं कर सकता है, किसी भी बड़े लेवल की अमेचर ओलंपिया या बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन को, ठीक है। नेचुरल वेजिटेरियन से बॉडी आप लोग एक हद तक बना सकते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद बॉडी
एक्स्ट्रा चीज़ मांगती है, जो कि फिर बाद में स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं। लेकिन आप लोग बिगनर्स हो, मीडियम में भी हो, तो भी आप इसे यूज़ मत करना। सिर्फ इसे एडवांस लेवल वाले बंदे ही यूज़ करते हैं जिन्हें नॉलेज होती है, ठीक है, या कोच के थ्रू अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कराते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जब आप इसे अपनी बॉडी में ओरली, ये दो फॉर्म में आता है, इंजेक्टेबल और ओरल, ठीक है। तो इंजेक्टेबल में इंजेक्शन के थ्रू आपकी बॉडी में इसे डाला जाता है, और ओरल इसे हम टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। जब आप इसे इंटेक करते हो तो जो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी प्रोडक्शन को ये बंद कर देता है, और जो आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन होता है उसे इंक्रीज कर देता है। तो उससे होता क्या है कि जब आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बंद हो जाता है और आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, जब टेस्टोस्टेरोन ही एक ऐसा मेन चीज़ होता है जिससे आपकी बॉडी का मसल मास बढ़ता है, ठीक है। तो गाइस जब इसे आप लोग यूज़ करते हो तब आपकी बॉडी में जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो आपका आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन होता है वो बढ़ जाता है। जिससे होता क्या है कि जो आपका मेन जो टेस्टोस्टेरोन होता है, यानी कि जो हमारा मेल हार्मोन होता है जिसे सेक्स हार्मोन बोलते हैं, वो हमारा बॉडी में मेन होता है, जब वो टेस्टोस्टेरोन लेवल ही बंद हो जाता है, तो जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के 3 गुना 2 गुना ये उस चीज़ को, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देता है आर्टिफिशियली, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सबसे जल्दी से मसल मास गेन होता है, और एक बंदा 1 महीने में 12 इंच के बाइसेप से 15 इंच का बाइसेप 3 महीने में कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसे छोड़ते हो तो उसके बाद आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। मेन चीज़ तो यही होता है कि चलो लीवर और किडनी का जो साइड इफेक्ट्स होता है वो बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन जो मेन होता है वो कि जो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है वो दोबारा से अप नहीं होता है, ठीक है। उसे अप करने के लिए फिर आपको बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, लाइक इसके PCT करनी पड़ती है, आपको शॉर्ट्स लगवाने पड़ते हैं, उसे वॉश आउट करवाना पड़ता है स्टेरॉइड को, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ होती है। ये 800 रुपये की दवाई की वजह से आपका 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो मैं यही करूँगा कि प्लीज़ आप अगर कोई इसे आपको सजेस्ट करे कि डायनाबोल ले ले, कुछ नहीं होता ये सब चीज़ें, तो भाई प्लीज़ यूज़ मत करना, ठीक है। लेकिन हाँ, थर्ड डिग्री सप्लीमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप एडवांस लेवल पर हो तो, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनकी वेबसाइट पे पूरे की पूरी 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 साइकिल लिखी हुई है कि कैसे इस साइकिल को कैसे यूज़ करना है। अभी साम्स भी ये लाने वाले हैं, जैसे ही इनके साम्स आएंगे तो साम्स की मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि साम्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, और जो साम्स होते हैं वो जो एनाबॉलिक होते हैं, जो एनाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी तरह ही लाइक रिजल्ट देते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल 0 होते हैं, ठीक है। तो साम्स यूज़ करके मैं एक बार आप लोग को रिजल्ट बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करके नहीं बता सकता, ठीक है। बस ये मैंने आपको रिव्यू किया है कि ये 10 mg में है, 100 गोलियाँ हैं इसके अंदर, ठीक है, और बता दिया आपके फ़ायदे नुकसान सब कुछ बता दिया है। अगर आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। एक बार अपने डॉक्टर से पूछें, एक बार अपने कोच से पूछें, जो भी आप जिसके थ्रू अपने आपको ट्रांसफॉर्म करा रहे हैं, प्लीज़ उनसे एक बार अगर आप यूज़ करके पूछ सकते हो। लेकिन हाँ, स्टेरॉइड्स के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें थर्ड डिग्री सप्लीमेंट के काफ़ी अच्छे हैं। मेरे जिम जहाँ मैं जाता था वहाँ पर भी काफ़ी लोग इसे यूज़ कर रहे थे, कोच मतलब उन्हें यूज़ करवाते थे। अब वो उनकी हेडक होती है कि साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किसी को होते हैं किसी को नहीं होते हैं, लेकिन कुछ नहीं पता, रिस्क नहीं लेना, ठीक है। लाइफ अपनी है, क्या फ़ायदा ये छोटे मोटे बॉडी बिल्डिंग में, मतलब नेचुरल रहो ना। प्रोटीन सप्लीमेंट आप लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोटीन बेस्ट है आपकी बॉडी के लिए, कौन सा साइड इफ़ेक्ट्स किससे क्या होगा, ठीक है। तो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉपर ये आप लोग को बता दिया, थर्ड डिग्री सप्लीमेंट यूज़ करना है कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ना यूज़ करना लेकिन आप इसकी जाके साइट पे चेकआउट कर लेना, ठीक है, और अपने कोच से एक बार पूछ लेना। ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अगर प्रमोट करना होता तो मैं कहता कि सब यूज़ कर लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं यूज़ करना है, ठीक है। आप अगर आप एडवांस लेवल के हो तो आप एक बार के बारे में सोच सकते हो, अगर आपको कॉम्पीट करना है कोई कॉम्पिटिशन वगैरह तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार करते रहना, और इंस्टाग्राम पे यार जल्दी से 1000 फॉलोअर कंप्लीट करा दो, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।